बालाघाट जिले का एक और रिश्वतखोर अधिकारी लोकायुक्त पुलिस ने पकड़ा है। चुनाव में लगे मतदान कर्मियों के चाय नाश्ता और भोजन की राशि में स्व सहायता समूह से रिश्वत मांगने वाले राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के सहायक प्रबंधक नरेंद्र सोनवाने को जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने 3500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। जनपद पंचायत पूर्व कार्यालय में संचालित राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यालय में दोपहर लगभग 3 बजे सहायक प्रबंधक नरेंद्र सोनवाने ने जैसे ही समूह की सचिव राजेश्वरी पंचेश्वर से रिश्वत की राशि ली, वैसे ही ताक पर बैठी लोकायुक्त पुलिस ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कार्यालय में लोकायुक्त पुलिस की इस कार्यवाही से हड़कंप मच गया। जबलपुर लोकायुक्त पुलिस दल प्रभारी निरीक्षक रेखा प्रजापति ने बताया कि शीतला माता स्व सहायता समूह सचिव राजेश्वर पंचेश्वर ने जबलपुर लोकायुक्त SP को विगत 12 अक्टूबर को राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के सहायक प्रबंधक नरेंद्र सोनवाने द्वारा रिश्वत मांगे जाने की शिकायत की थी, जिसकी शिकायत पर रिकॉर्डिंग से पुष्टि होने पर 2 नवम्बर की दोपहर 3 बजे लोकायुक्त पुलिस ने कार्यालय में सहायक प्रबंधक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है। कार्यवाही के दौरान जबलपुर लोकायुक्त निरीक्षक रेखा प्रजापति, निरीक्षक स्वप्निल दास, उप निरीक्षक शिरीष पांडे, आरक्षक विजय विष्ट, अमित मंडल और पंकज तिवारी उपस्थित रहे। जो कार्रवाई की गई है, क्या कार्रवाई की गई है इसमें? जो हमारे केस की जो फरियादिया है वो है राजेश्वरी पंचेश्वर, ये शीतला माता आजीविका स्व सहायता समूह की सचिव है। तो इन्होंने दिनांक 12 अक्टूबर को लोकायुक्त जबलपुर आकर SP साहब को एक लिखित में आवेदन दिया था कि जो ग्रामीण आजीविका स्व सहायता समूह के जो सहायक प्रबंधक हैं उनके द्वारा 4000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है। जो फरियादिया है उस और उसका जो समूह है, इन्होंने 2022 का जो पंचायत चुनाव हुआ था तो उस पंचायत चुनाव में उन्होंने जो कर्मचारी है, चुनाव में लगे हुए जो कर्मचारी हैं तो उनके चाय नाश्ता और भोजन बनाने का काम किया था। तो इनका जो टोटल बिल है वो 57,700 रुपये निकला हुआ था। तो वो 57,700 रुपये समूह के अकाउंट में पहुंच गया था। तो सभी जो दीदियां थी सहायता समूह की, तो इनको वो पैसा मिला था। तो चूँकि ये काम हो गया था तो जो सहायक प्रबंधक है नरेंद्र सोनवाने, जो इस केस के अनावेदक है नरेंद्र सोनवाने, तो इन्होंने बोला कि चूँकि हमने तुम्हारा ये काम करवा दिया है, तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ गए हैं, तो इस हमको अभी नाम के बदले 4000 रुपये की रिश्वत चाहिए। फिर इनके तो हमारे कार्यालय से, लोकल कार्यालय से रिकॉर्डिंग के लिए भेजा गया था। तो रिकॉर्डिंग के दौरान बात आई कि जो सोनवाने हैं और नरेंद्र सोनवाने और हमारे केस की आवेदिका है, तो इनके बीच बातचीत हुई तो नरेंद्र सोनवाने ने बोला कि ठीक है 4500 रुपये आप कम कर देना, 3500 बात तय हुई थी। फिर आज दिनांक को हम लोग कार्रवाई के लिए पहुँचे, सेकंड रिकॉर्डिंग हुई, उसमें नरेंद्र सोनवाने के द्वारा 3500 रुपये ले लिए गए। अभी हमारे लोकल जबलपुर की जो टीम आई हुई है उसमें मैं इंस्पेक्टर रेखा प्रजापति जल प्रभारी के रूप में हूँ मैं, और इंस्पेक्टर स्वप्निल दास हैं जो इस केस के TLO हैं हमारी टीम में, और सब इंस्पेक्टर शिशिर हैं जैसे पांडे हैं, आरक्षक अमित मंडल हैं, पंकज तिवारी हैं, विजय विष्ट हैं। क्या आपके द्वारा रंगे हाथ पकड़ा गया? बिल्कुल, हमारे द्वारा रंगे हाथ पकड़ा गया और उसके हाथ धुलाए तो हल्का गुलाबी कलर का भूल। तो मतलब 3500 रुपये लेते ही पकड़ा गया, 4000 रुपये? नहीं, 3500 रुपये, क्योंकि हाँ, क्योंकि जो नरेंद्र सोनवाने हैं उन्होंने बोल दिया था ठीक है हमको 500 रुपये तुम कम करके दे देना। अभी लिखा पढ़ी हो रही है, उनके विरुद्ध में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।